ओके, तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि बेटा हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अभी भी उसके कुछ हिस्से बचे हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन द गैमेटोजेनेसिस और द एम्ब्रियोजेनेसिस, डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल और असेक्सुअल, डिफरेंस बिटवीन द फ्यूजन एंड बडिंग, डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फ्यूजन एंड द मल्टीपल फ्यूजन। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में आपको दे दूंगा, एक ही वीडियो में आपको ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके गाइस, दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते टाइम हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें इनके जो थोड़े से इंट्रो पार्ट हैं उनको समझना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनको इंट्रो पार्ट को देखते हैं। देखिए, इट इज़ द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ जो बेस्ट चीज़ बताई गई है जिसको हमें समझना है वह ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण छुपा हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये मेल और फीमेल गैमेट क्या है? जब कभी भी कोई जानवर या फिर बोले जाए तो प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव फेज में होता है तो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन मेल और फीमेल गैमेट के बारे में आपके चैप्टर नंबर सेकंड जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को बताया गया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। किसका? मेल और फीमेल गैमेट का। और चैप्टर नंबर थर्ड भी जिसमें आप रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है उसमें भी मेल और फीमेल गैमेट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ओके, तो मेल और फीमेल गैमेट जब बनते हैं उसके बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पाता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके किनके बीच होगा? एदर बाय द सेम इंडिविजुअल, हो सकता है कि वो एक ही इंडिविजुअल हो, सेम इंडिविजुअल हो, और हो सकते हैं कि वो दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल हों या फिर अपोजिट सेक्स वाले हों, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। दूसरा देखते हैं, द ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉन आइडेंटिकल टू द पेरेंट एमंग देम सेल्फ। जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग रहते हैं, जितने भी संतान रहते हैं जो लैंगिक जनन को कंप्लीट करते हैं, वो कभी भी अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन क्या? क्योंकि 50% करेक्टर उनके माँ के और 50% करेक्टर उनके पापा के आते हैं। दैट्स वाई जो भी संतान आएंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग नए आएंगे, उनमें कहीं ना कहीं वेरिएशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इट्स ऑन द एलिब्रेटेड कॉम्प्लेक्स टू द स्लो प्रोसेस कंपेयर टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जिस तरीके से हमने कंप्लीट किया है, और यदि अभी आप तक नहीं कंप्लीट नहीं किया है तो आप की बटन पे जाइए और उसको पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ ये लिखी गई है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन पे कॉम्प्लेक्स और दूसरा स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं, द पीरियड ऑफ द ग्रोथ टू रीच इट्स इज मैच्योरिटी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। अब देखिए, यहाँ एक वर्ड हमारे सामने है, मैच्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी? मैच्योरिटी इज अ वन काइंड ऑफ द फेज वेयर द ऑर्गेनिज्म इज विल रेडी टू द टेकिंग द पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। मैच्योरिटी जीवन की वह अवस्था है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को जनन के लिए तैयार करता है, ये जनन के लिए बिल्कुल भी तैयार हो चुकी होती है, उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी फेजेस। अब यहाँ बोली गई है कि जो एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय किसका? ग्रोथ का। ओके, कोई भी संतान है, कोई भी बच्चा है, वह ग्रोथ करेगा, चाइल्डहुड से जुवेनाइल फेज में आएगा, जुवेनाइल फेज से एडल्सन फेज में आएगा, मैच्योरिटी टेकिंग लेगा, उसके बाद आगे की जो अवस्था जो भी है ये फेजेस वो आती हैं। तो यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं कि एक पीरियड है, एक समय है जब बच्चा ग्रोथ करता है और इट्स टू रीच द मेच्योरिटी। अब वो ग्रोथ क्यों करता है? ताकि वह मेच्योरिटी को पहुंच सके, मेच्योरिटी को प्राप्त कर सके। मेच्योरिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया। ओके, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये मेच्योरिटी क्यों आएगी, मेच्योरिटी क्यों आती है? ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो सके। अब हम एक छोटा बच्चा है, चाइल्डहुड का है, जिसकी उम्र 3 से लेकर के करीब करीब 10 के बीच का है, तो हम उसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यह बच्चा सक्षम है नए बच्चों को जन्म देने में? नहीं, इस स्थिति में वह बच्चे बिल्कुल भी सक्षम नहीं है कि वह अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म दे सके। तो क्या इस कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक जीवन का एक निश्चित फेज होता है जिसमें वो जनन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म देने की उनमें क्षमता होती है, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं कि वह मैच्योरिटी को स्टेज को कंप्लीट करते हैं ताकि लैंगिक जनन को या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकें, और इस फेज को अपन लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जुवेनाइल फेज आप कह सकते हो, हिंदी में इसको बोला जाता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने की पहले वाली अवस्था।
अब इसके जस्ट बाद जो है जनन की प्रोसेस में स्टार्ट होती है ऑर्गेनिज्म में, किसको कंप्लीट करने के बाद, जुवेनियल फेज को खत्म करने के बाद। आगे देखते हैं इन प्लांट, और प्लांट की कैटेगरी में इस जुवेनियल फेज का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। एनिमल में हम इसको जुवेनियल फेज बोलते हैं, और यदि हम बात करते हैं प्लांट की तो प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। इन हायर प्लांट में देखिए, हायर प्लांट में फ्लावरिंग इंडिकेट, जब कभी भी जो हायर प्लांट है, हायर कैटेगरी के प्लांट है, तो उनमें यदि फ्लावर आते हैं तो फ्लावर किसको इंडिकेट करेंगे, फ्लावर इंडिकेट द एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज। कि फ्लावर जब आ जाते हैं किसी भी प्लांट में तो वह इस चीज़ का इंडिकेशन करते हैं कि हाँ अब वेजिटेटिव फेज खत्म होने वाला है, अपने अंतिम चरण में है, और वह किसकी शुरुआत करने वाला है बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत करने वाला है। और इंट्रो क्या है देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इंट्रो में क्या बताया गया है कि एनुअल एंड बायनुअल प्लांट सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेसस फेजेस। अब हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन और उठने वाले हैं, वो दो क्वेश्चन ये हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल एंड बायनुअल प्लांट्स, क्या होते हैं ये। ओके, तो बेटा एनुअल प्लांट का मतलब होता है ऐसे पौधे जो एक साल में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब लाइफ साइकिल क्या है, फ्लावर वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करना, फ्लावर लेना, फ्लावर लेने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट करना, फ्रूट डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे करके लीव्स को गिरा देना, और धीरे धीरे गिराने लीव्स को गिराने के बाद नए लीव्स का आना। ये पूरा प्रोसेस यदि एक ही साल में कंप्लीट होता है तो ऐसे प्लांट को हम एनुअल प्लांट बोलते हैं, या हम बोलेंगे दोस प्लांट विच आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ओनली अ सिंगल ईयर्स, दैट इज कॉल्ड एनुअल प्लांट। सेकेंड वन दैट इज अ बायनुअल प्लांट, दैट मीन्स दोज प्लांट विच आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन द 2 ईयर्स। ओके, तो ऐसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं उनको हम बोलते हैं बायनुअल प्लांट। तो 1 साल में कंप्लीट करने वाले और 2 साल में कंप्लीट करने वाले जो प्लांट रहते हैं, क्या कंप्लीट करने वाले, सारे फेजेस को। ओके, 2 साल में कंप्लीट करने वाले सारे प्लांट में हमें वेजिटेटिव फेज अच्छे से देखने को मिल सकता है, रिप्रोडक्टिव फेज को हम अच्छे से समझ सकते हैं, और सेंसेंट फेज को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ एक वर्ड और आया, सेंसेंट फेज, क्या मतलब होता है, दैट इज अ ओल्ड एज, ओल्ड एज या फिर ओल्ड टाइम कह सकते हो, जब प्लांट पूरी तरीके से अपने लीफ को गिराने वाला होता है, या आप यदि मैं इंसानों की बात करूं तो अंतिम अवस्था वृद्धावस्था को ही ओल्ड सेंस या सेंसेंस फेज बोलते हैं। तो प्लांटों में भी ये एक कैटेगरी है जिनका लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट होता है और जिनका लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होता है, उनमें भी ये सेंसेंस फेजेस, वेजिटेटिव फेजेस और रिप्रोडक्टिव फेजेस बहुत अच्छे क्लियर कट तरीके से हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं इन पेरिनियल प्लांट, अब एक वर्ड और हमारे सामने है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिनियल प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट को यदि मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोला जाता है बहुवर्षीय प्लांट। अब बहुवर्षीय प्लांट, अब इसको देखिए, इसी शब्द से हमें बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल बहुत सालों में कंप्लीट कर सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध इसका नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट में क्या है, दीज फेजेस आर वेरी डिफरेंट टू आइडेंटिफाई। जो पेरिनियल प्लांट होते हैं उनमें वेजिटेटिव फेज को पहचानना, रिप्रोडक्टिव फेज को पहचानना, सेंसेंट फेज को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल वाला बात है। क्यों मुश्किल वाला बात है, इसलिए क्योंकि उनका लाइफ साइकिल 2 सालों से ज़्यादा हो सकते हैं, और जब 2 सालों से ज़्यादा हो सकते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आती कि कौन सा फेज वेजिटेटिव का चल रहा है, कौन से रिप्रोडक्टिव फेज चल रहे हैं और कौन सा सेंसेंट फेज चल रहे हैं। हाँ, उसको तो पहचाना जा सकता है रिप्रोडक्टिव फेज को, क्योंकि उस टाइम पे जो प्लांट है वह उसमें नए पत्तियां आती हैं और नए पत्ते के साथ में वह रिप्रोडक्शन के लिए या जनन के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है और फ्लावर आने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, सम प्लांट एक्सहेबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि असामान्य फ्लावर देते हैं। असामान्य बोले तो इनका कोई सीजन ही नहीं है, कब देंगे इसकी कोई भरोसा नहीं है, फिर भी देखते हैं जरा। बाम्बू, इसका एग्जांपल है मेस्ट बाम्बू, और दूसरा है स्ट्रॉबेलेंथम लेंथस कुंथेइनान कुंथाइना। ओके, स्ट्रोबेलोंथस कुंथाइना, ये दूसरा प्लांट है, पहला है बम्बू। बम्बू के बारे में कौन सी एक नया तथ्य है, बम्बू के बारे में तथ्य बेटा कि एक ऐसा स्पीसीज है जो अपनी फ्लावर अपनी जिंदगी में केवल एक बार ही देखता है, अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार इसमें फ्लावर आते हैं। अब जब एक ही बार फ्लावर आते हैं, और कब आते हैं, आफ्टर द 50 and 100 years, 50 से 100 सालों के बाद। नेक्स्ट क्या है, प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, 50 से 100 साल बाद फ्लावर आएंगे और उसके जस्ट बाद इनमें नंबर ऑफ फ्रूट्स आते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉबेलेंथम कुंथाइना के विषय में क्या संबंध कही जाती है कि एक ऐसा प्लांट है जो कि जिसके फ्लावर पूरी जिंदगी में, इनके जिनका बहुत सारा हो सकता है ये पेरिनियल प्लांट होते हों। क्यों, क्योंकि इनमें 12 साल के बाद इनमें फ्लावर आते हैं। क्या ये बात आपको पहले पता थी कि 12 साल बाद प्लांट आते हैं। तथ्य का क्वेश्चन क्या, तथ्य का क्वेश्चन ये है बेटा, क्या आपको इससे पहले पता था कि बम्बू प्लांट में 50 से 100 साल बाद फ्लावर आते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग होते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं।
दूसरे जो हमारे पास में प्लांट है या प्लांट के स्पीसीज से पेरेनियल प्लांट के स्पीसीज से उसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथाइना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथाइना एक ऐसा प्लांट के स्पीसीज है जो 12 सालों के बाद एक बार अपने में फ्लावर लेके आते हैं। नहीं पता था ना। इंट्रो की बात करते हैं, क्या है जिसको हमें समझना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलोअप में। दैट इज अ इन एनिमल जुवेनाइल फेज इज फॉलोअप्ड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू एक्टिव द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यदि हम जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझें तो जब कभी भी जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेज आती है, जैसे कि फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जुवेनाइल फेज जो होती है जानवरों में, वह फॉलोअप करती है और उसी जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बदलाव देखने को मिलते हैं जिससे एक्टिव रिप्रोडक्शन बिहेवियर हो सके। बात समझ में नहीं आई। कोई जानवर है, उसका जुवेनाइल फेज उस जानवर के शरीर में, बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्टिव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, सेक्सुअल बिहेवियर को एक्टिव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब ये कि जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एक्टिव होने वाला होता है तो बॉडी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ओके, दैट इज टू कैटेगरी, दैट इज़ द प्राइमरी चेंजेस और सेकेंडरी चेंजेस। तो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर सेकेंड में बात करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स, अपन लोग जानते हैं बेटा कि जो बर्ड्स होते हैं वो नेचर से ही अपने साथ में एग को प्रोड्यूस करते हैं। बोले जाते हो जो बर्ड्स होते हैं वह नेचर से ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस क्या? ओविपेरस दैट मीन्स सच ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द डायरेक्टली एग, नॉट द डायरेक्टली बेबी। ऐसे सारे जानवर, ऐसे सारे पक्षियाँ जो अंडे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, उनको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। तो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं कौन? बर्ड। और ये नेचर है उनका कि वह अंडों को दें और वह सीजनली में देते हैं, मतलब जब सीजन चल रहा होता तभी वह अंडों को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, हाउ एवर बर्ड, जैसे कि अब बात करें हम हाउ एवर बर्ड्स की, जितने भी बर्ड्स हैं उनकी कैपेसिटी है, उनकी ये क्षमता है कि वह सीजनली अंडों को प्रोड्यूस करें। बट जो पोल्ट्री होती है, हैन हो गया पोल्ट्री, उनको ऐसा किया जाता है कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर्स। उनको पूरे साल अंडे दें इसलिए उनको बनाया जाता है। अब कैसे पूरे साल अंडे दें वो, क्योंकि आप देखते होंगे अंडे की जो सप्लाई है पूरे साल चलती है, सीजनली तो होता नहीं है, अंडे पूरे साल देते हैं पोल्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फीमेल ऑफ द प्लेसेंटल एमेमल्स, वो अब यहाँ बोला गया है कि ऐसे फीमेल्स, अब ऐसे फीमेल्स बोले जाए तो देखिए दोनों ही जीव हैं, दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, कौन? बर्ड्स और मैमल्स। बट हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में ए बर्ड हो गया, दूसरा मैमल्स। बर्ड्स जो है अंडों को देते हैं जिसको हम ओविपेरस कहते हैं, और जो मैमल्स होते हैं यानी कि ऐसे भी जानवर या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उसको हम विविपेरस बोलते हैं। दैट मीन्स सच ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द न्यू बर्न बेबी, इट इज कॉल्ड द विविपेरस। ओके, तो जो विविपेरस मैमल्स होते हैं उनके जब कभी भी बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा की वजह से करते हैं। प्लेसेंटा एक्सहिबिट साइक्लिक चेंजेस। अब देखिए जो ऐसे मैमल्स में चक्रीय परिवर्तन आते हैं, मतलब साइक्लिकल चेंजेस होते हैं हर मंथ, कुछ में सीजनली, कुछ चक्रीय चेंजेस आते हैं, मंथली चेंजेस आते हैं इन द ओवरी, उनके ओवरी में, उनके ओविडक्ट में और हार्मोन्स में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेजेस। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है और जो नेचर से विविपेरस होते हैं उनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, जब आते हैं जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाते हैं। जैसे मैं बात करूं फीमेल की, यानी कि इंसानों में फीमेल की बात करूं, तो फीमेल में जैसे ही फीमेल का उम्र 12 से 13 के आसपास इंटर करता है और ऐसी स्थिति में वह रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर रही होती है, इससे उसके ओवरी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी चेंजेस के साथ में ओवरी के बदलाव के साथ में जो ओवरी है वह एग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और एग को प्रोड्यूस करने के स्टार्ट की वजह से एग का फॉर्मेशन होने लगता है, और एग किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं कर पाता वन मंथ के अंदर, तो वही एग खराब होकर के थ्रू द ब्लड और थ्रू द ब्लीडिंग शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है एक्टिव होने लगता है जब कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में है, तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं, हार्मोनल बदलाव की वजह से वैसे लोगों का आवाज़ में बदलाव आता है, हिप में चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ओके, हेयर्स आने लगते हैं प्राइवेट स्पार्ट्स में, कॉर्नर हैंड कॉर्नर पे आने लगते हैं बाल्स। और मेल की बात करूं तो मेल में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज से सेक्सुअल बिहेवियर में बदलाव आना, सेकेंडरी चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सारा बदलाव ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेजेस की वजह से होते हैं और ड्यू टू द हार्मोन्स बदलाव की वजह से होते हैं। साथ ही इस हार्मोन्स की वजह से उनके ओवरी में, और मेल की कैटेगरी की बात करूं तो टेस्टिस में और एसेसरी डक्ट में भी बदलाव देखने को मिलते हैं गाइस।